में मजा आएगा, काफी मजा आएगा। संडे की सुबह हो चुकी है। आज की जो संडे राइड है वो जबलपुर में नहीं है, वो इंदौर में है। तो आज काफी कुछ नया होगा और सुबह सुबह का टाइम है। हेलो माय पीपल्स, कैसे हो आप सब? दिस इज मी नॉन स्टॉप सनी, और हमेशा की तरह हमारे सारे बाइकर्स आज भी लेट हैं। बाइक्स लग चुकी हैं लाइन पे और काफ़ी राइडर्स अभी लेट हो चुके हैं, तो बस भाइयों का इंतज़ार है। और जो जो भी आ रहे हैं ये भी हमारे साथ आज ज्वाइन करने वाली है। और इसी के साथ में हमारे साथ आज वर्सेस है, निंजा 1000 है, 400 लिमिटेड है, जो कि मैंने बहुत कम देखा हूँ, मेरे लिए तो लिमिटेड ही है। लिमिटेड बाइक्स में 400 निंजा है, जो कि आज राइड पे हमारे साथ ज्वाइन करेगी और काफ़ी और राइडर्स भी आएंगे। तो मिलते हैं इंदौर के राइडर्स से कैसे हैं, और उसके बाद मैं आपको देता हूँ ब्लॉग में आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें। तो अर्जुन भैया ने हमें कर लिया है ज्वाइन, और ये पहले राइडर हैं जो मुझे इंदौर से मतलब मिले हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला, आज कुछ नया होने वाला राइड पे, और बस मज़े करेंगे राइड पे। पूरी राइड पे राइडर होते हैं तो मज़े तो होते ही है। तो बने रहो चैनल के साथ और मज़े करो, इन्जॉय योर सेल्फ। सो आज की जो राइड है उसमें मैं आपको देखूँगा निंजा 1000 या वर्सेस जो है 650, दो में से कोई एक बाइक चलाऊंगा। वैसे तो दोनों ही मेरा मन है, पर लेकिन मुझे एक चलानी होगी तो दोनों में। और ये है हमारी आज का लाइनअप जिसमें हमें ज्वाइन करी है वर्सेस 1000 ने, फेड बॉब और BMW 1250 GS, निंजा 1000, बूसा वर्सेस 650 जो कि आज मैं राइड करूंगा, और उसके बाद में हमारी जो बाइक है ये 400 मिनी निंजा, निंजा 900 और GS 310। नमक को घुलने में थोड़ा समय लगता है और तभी हम एक फ्लो में आ पाते दोनों। तो पानी हो, ये ऐसा नहीं बोलूँगा ये पानी है, ये सब भी ये समझिए, ये छोड़िए। अरे कहना क्या चाहते हो? सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, नमक को घुलने में समय लगता है। तो मैं बाहर से आया हूँ, मैं नमक ही हूँ, तो इनमें मुझे घुलना पड़ेगा। और खैर, हालांकि राइडर्स को घुलने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है, राइडर्स हमेशा राइडर। हाईवे पे भी अगर आप किसी से मिलते हो तो आप यूं ही भाई बन जाते हो। तो फिर तो ये एक मैं आया हूँ किसी भाई के बुलाने पे, तो हम एज अ टीम ही हैं आज यहाँ पे। और सेफ्टी मेजरमेंट से बोलूँगा कि हेलमेट, जैकेट्स, ये सब हमेशा वेयर करें, और काफ़ी अच्छा रहता है ये आपकी सेफ्टी के लिए भी, और आपके घर वालों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज मैंने पहना हुआ कावासाकी का जैकेट जो स्पॉन्सर्ड हुआ है मोहन भैया के थ्रू। भैया ट्रिपलिंग मत करा करो, बाइक की जान चली जाएगी यही सोचो। ये हमारी कल्याणी जो ट्रैक राइडर है, जैसा कि हमारे मोहन भैया ने बताया, तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। वो एक फीमेल राइडर हैं और काफ़ी अच्छी राइडर हैं, एक्सपर्ट राइडर हैं। उन्होंने मतलब काफ़ी ट्रैक्स पे और काफ़ी बड़े बड़े ब्रांडों के साथ काम किया है। तो जैसा कि मोहन भैया बता रहे थे कि ये मतलब देखिए, ये है आज जो हमारे उसमें आज वो ये हैं, और देखते हैं इनके स्किल्स। तो ये हमारे आशु भैया हैं, और तो आज भूसा ले गया इनके पास। वैसे एक सी भी आ रही है, ऑलरेडी स्टंटर भी हैं, तो काफ़ी अच्छी राइडिंग तो स्टंटर की रहती है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं है, अब ये देखिए ये मुझको कट मार रहे हैं। सो मैंने आपको जिनके बारे में बताया था, इंट्रोड्यूस किया था, वो कल्याणी जी, वो ये हैं, और ये ट्राइम पे है, और ये रही हमारी निंजा 400 जो बताया था मैंने आपको। तो ये इंदौर की आज एक सिटी राइड है, और जिसमें हम एक सिटी राइड करेंगे और ब्रेकफास्ट उसके बाद। तो काफ़ी अच्छा राइडिंग को थैंक्स करूँगा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे स्टंट करता हूँ, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में स्टंट राइडिंग नहीं होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो मैं स्टंट राइडिंग को तहे दिल से मतलब शुक्रिया करना चाहता हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है कि स्टंट राइडिंग के बेस पे आज हम यहाँ पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टंट राइडिंग से, देखिए आप खुद देख सकते हो कि एक लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है किसी चीज़ पे अगर आप लग के फोकस करते हैं तो। ये है वर्सेस 1000, और ये मुझे, मैं एक तरीके से बोलूँगा ये चल रहे हैं बड़े भाई छोटे भाई, और ये बड़े भाई, तो बड़े और छोटे भाई का कॉम्बिनेशन चल रहा है। और
ये है हमारी 1250 GS BMW और निंजा 1000 पे जा रहे हैं मोहन भैया, जिनके थ्रू आज मैं राइड पे हूँ वो मोहन भैया हैं और ये काफ़ी बड़े अच्छे राइडर हैं और इनके चक्कर में आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मज़ा आ रहा है राइड पे, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए हैं और बाइक तो आप देख ही रहे हो क्या खूबसूरत लाइट लगी हुई है, क्या खूबसूरत लाइट लगी हुई है BMW 1250 के ऊपर देखिए लाइट दिख रही है, मैं आपको मिरर पे दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही उम्दा लाइट लगी हुई है और इस बाइक को कवर कर रही है वाली को, तो बहुत ही खूबसूरत लाइट लगी हुई है, मज़ा आ गया बाइक देख के एक नंबर का कि BMW ने। मुझे तो पहले लगा था कि ये ट्राइम पे है, जब मैं रील्स फोटो इंस्टा पे कुछ देखता था तो मुझे लगता था कि ये ट्राइम पे है, लेकिन अब पता चला है जाके कि ये BMW की लाइट है, जो कि हमारे एक मुंबईकर निखिल करके जो यूट्यूबर है, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, मैंने उनको भी देखा हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है उनके व्लॉग्स देख के भी, तो उनके पास भी यही बाइक है और सुना है कि आज या कल के अंदर में वो इंदौर से निकले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और यही होता है एक बाइकिंग हुड जो काफ़ी अच्छा लगता है और मस्त बाइक है, एक नंबर बाइक है, मुझे काफ़ी पसंद आई है। और हालांकि मैं भी अभी एक स्पेशल बाइक पे चल रहा हूँ जो कि आपकी वर्सेस 650 है, तो ये तो अपने आप में एक स्पेशल बाइक है, तो इस बाइक पे मज़ा ही अलग आ रहा है। स्पोर्ट्स सेगमेंट काफ़ी चलाया हूँ लेकिन ये वाला सेगमेंट एक अलग सेगमेंट है, तो इसका मैं एक प्रॉपर व्लॉग भी बना के दूँगा अलग से कि ये बाइक क्या है, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आई है ये बाइक। तो मस्ती करते रहो मेरे व्लॉग्स पे और मज़े करो और नया नया नॉलेज लो, लेसन्स मिलते ही हैं, देखे हो आपने मेरे लास्ट Z800 के वीडियो पे कि कुछ ना कुछ लेसन्स मिलते हैं, और अभी कुछ नया मैं आज सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ। एक आपने देखा था, एक सामने वाली बाइक पे कोई आ गया था तो टायर से टायर हमारे जस्ट बम्प अप हुए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं, बाइक बहुत ही मस्त है, बिंदास बाइक है और बस चलते चलो। ना ही मैं किसी बाइक का रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन इस बाइक पे बैठने के बाद मुझको लग रहा है कि इसका रिव्यू ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग सेगमेंट की बाइक है। मुझे भी इसको चलाने के पहले नहीं पता था, मैं सोचता था कि क्या बना दी है, क्या है ये बाइक, लेकिन अब मुझे इस बाइक का पता चल रहा है कि ये है एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो एक बार ज़रूर इंदौर आके टेस्ट राइड ले, और बस फिर देखिए आपकी भी शायद सोच बदल जाए जैसे आज मेरी सोच बदल गई है। स्पेशल बाइक है ये वाकई में, सीरियसली स्पोर्ट्स बाइक पे तो हम वैसे ही चलते रहते हैं, ये मेरी बाइक ये भी है Z800 जो कि घर पे खड़ी होगी, और तो मैंने हर सेगमेंट की ऑलरेडी बाइक चला चुका हूँ, तो लेकिन ये सेगमेंट जो है ये मेरे लिए पहली बार है, तो ये काफ़ी मस्त है और नया है, तो इस पर आप आइए आपको अच्छा लगेगा। तो इंदौर की सुबह है और काफ़ी अभी हम कावासाकी से निकले थे, उसके बाद हमने दूसरा स्टॉप लिया था BMW के शोरूम पे, तो अभी हमने अपोलो टायर के यहाँ पे स्टॉप लिया है जहाँ पे हमारी आज की राइड है, और अभी आप देख रहे हो कि हमें बाइक्स जुड़ते ही जा रही हैं, पता नहीं अभी और क्या क्या जुड़ने वाला है, और अभी बहुत कुछ होने को बाकी है, तो बने रहो चैनल के साथ और देखते रहो, काफ़ी मज़ा आएगा। इसको आगे बढ़ा के मत देखना क्योंकि आपको खुद मज़ा नहीं आएगा, अगर आपको फुल मज़ा लेना है तो पूरा वीडियो देखना, तो काफ़ी मज़ा आएगा और बहुत सी बाइक जुड़ने वाली है, तो देख ही रहे हो आप, काफ़ी फीमेल्स राइडर्स भी आई हैं इस राइड पे हमारे, तो बहुत मज़ा आएगा आपको, इन्जॉय करो। I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe them, done extending out my arm. Made a lot of money from my poems. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, a bus down. I'm on my way, I'm going up now, up now. And I ain't never gonna touch down, touch down.
Mind's on, I can't turn it off. Late nights that I'm turning up. Hate life, then I learn to love. Down and out, now I'm way above. I always knew I had it. Now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict. It's a habit, I'm a fiend. Feeling that rush, rocket ready to launch. Hands up, ready and gone. Been waiting too long. Trust on plenty, that's wrong. Old me standing. तो वैसे तो मैं आया था इंदौर सिर्फ और सिर्फ BMW की अनबॉक्सिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ मुझे एक अच्छी राइड मिल गई जो कि मेरे कुछ भाइयों की वजह से मुझको ये राइड में ज्वाइन होने का मौका मिला। तो बड़ा मज़ा आया यहाँ के इंदौर के राइडर्स के साथ राइड करके, और काफ़ी नया नया एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। जो बाइक्स मुझे मिली थी वो मिली थी मुझे कावासाकी इंदौर की तरफ से। हेलमेट मैं अपना लाया था, गियर्स जो थे वो कावासाकी ने दिए थे। सो बहुत मज़ा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी आपकी पसंद की बाइक्स मिल जाएं और सबकी विशेष पूरी हों, और मुझे तो मिलती ही हैं। मैं और आगे, ये एक ऐसी चीज़ है कि जितना आए उतना कम है, तो बस ऐसे ही बाइक्स आती जाएं हर साल। आपकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी, दोनों मिलके मज़े करेंगे। बहुत मज़ा आता है साथ में राइड करके। ब्रदरहुड नाम की भी चीज़ होती है, वही चीज़ का बस इंजॉयमेंट होता है। तो बस इसी टाइप से राइड करते रहो और सेफली करो, हेलमेट जैकेट सब कुछ यूज़ करो, क्योंकि अगर ये सब यूज़ करोगे तो आपके पेरेंट्स भी आपको कभी रोकेंगे नहीं और हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। तो दिस इज़ मी नॉन स्टॉप सनी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। कैमरे के सामने ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे, उसके बाद तो आपको दिखाते ही हूँ मैं कि इनका आज का क्या है राइड।